चलिए हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट कहाँ करें। वैसे इन्वेस्टमेंट करने का तो बहुत सारे आइडियाज हैं, बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे हम जमीन खरीद सकते हैं, शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड ले सकते हैं, बॉन्ड्स ले सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ले सकते हैं, पीएफ में निवेश कर सकते हैं, एफडी कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं इन्वेस्टमेंट करने का, बट सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है, चलिए हम बात करते हैं उसके बारे में। सपोज दैट ऐसे किसी का एज 35 साल है या किसी का एज 30 साल है, तो 25 से 30 साल में हमारा फंड कम से कम 2-3 करोड़ रुपया का होना चाहिए। इस तरह से हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। हम कहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके बारे में हम डिटेल से बातें करते हैं। अगर हम म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो म्यूचुअल फंड 3 टाइप्स के होते हैं दोस्तों। एक तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड होता है, एक मिड कैप म्यूचुअल फंड होता है, और तीसरा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम कौन सा म्यूचुअल फंड में निवेश करें, कौन सी कंपनी में निवेश करें कि हमें कम से कम प्रॉफिट ऐसे मिनिमम 25% एनुअलाइज हो। अगर हमारा ग्रोथ 25% हर साल भर साल ऐसे देता है कंपाउंडिंग, सबसे बड़ी बात यह है कि म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है, कंपाउंडिंग ग्रोथ होता है। इसीलिए हमारा फंड जो है अगर हम 1 लाख रुपए भी निवेश करते हैं तो हमारा फंड 2-3 करोड़ रुपए का तैयार हो जाता है। चलिए हम बात करते हैं कि कौन सा फंड में निवेश करें, कौन सा कैप में निवेश करें। अगर हम लार्ज कैप में निवेश करते हैं तो कम से कम ऐसे हम 15-20% हमें सालाना ऐसे ग्रोथ मिलता है। अगर हम मिड कैप में निवेश करते हैं तो 20-25% हमारा सालाना ग्रोथ मिलता है। बट अगर हम स्मॉल कैप में निवेश करते हैं तो सालाना ग्रोथ हमें 50% से 150% का बीच में मिलता है। हाँ, किसी किसी कंपनी में थोड़ा सा कम मिलते हैं, बट 50% से 150% का सालाना ग्रोथ मिलता है। आप बहुत सारी कंपनियां का देख सकते हो, मैं बहुत सारे ऐसे वीडियो बना के मैं अपने चैनल पे अपलोड कर रखा हूँ जहाँ पे आप देख कर समझ सकते हो कि एक्चुअल में कितना परसेंट का ग्रोथ मिलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, अगर 5 शेयर इन्वेस्ट करते हैं कहीं भी म्यूचुअल फंड में, तो आप एक बार में ना करके उसे 5 बार में करें निवेश। 5 बार में निवेश करने से ये होगा कि आपका एक पोर्टफोलियो तैयार हो जाएगा। आप पोर्टफोलियो तैयार होने से ये होगा कि किसी फंड में हमें कम ग्रोथ मिलता है तो दूसरा जो फंड है हमारा वो मैनेज कर लेगा, तो हमें ऐसे कम से कम 30% का जो एवरेज है हर साल का वो हमारा मेंटेन रखेगा। अगर हमारा 30% का मेंटेन रखता है तो दोस्तों, अगर हम 1 लाख रुपया एक बार में निवेश करते हैं, 1000 रुपया मंथली निवेश करते हैं 25 साल के लिए अगर करते हैं, तो दोस्तों कम से कम 2 करोड़ रुपया का तो हमारा फंड तैयार हो जाएगा। कि लार्ज कैप में निवेश करें, मिड कैप में निवेश करें, या फिर स्मॉल कैप में निवेश करें। दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि अगर आप लार्ज कैप में निवेश करते हैं तो वहाँ पे आपको 15-20% जैसा मैंने बताया है रिटर्न मिलेगा। मिड कैप में भी 20-30% के बीच में रिटर्न मिलेगा। स्मॉल कैप में आपको मिलेगा रिटर्न 50% से 150% तक का। रिस्क ज़्यादा होता है स्मॉल कैप में, बट अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं किसी कारणवश अगर प्राइस उसका टूट गया तो बहुत ये होंगे कि हमारा जो ग्रोथ रेट है वो 30% पे आ जाएंगे, नहीं जाएंगे 50%, नहीं जाएंगे 150%, 30% पे आ जाएंगे। बट अगर रेगुलर वो ग्रोथ करता है तो हमारा फंड है कम से कम 50% ग्रोथ देगा, तो मेरा 25 साल में नहीं दोस्तों 15 साल में हम करोड़पति बन सकते हैं। बहुत सारे वीडियो मैं बना के रखा हूँ, तो कौन सा फंड में आपको कहाँ निवेश करना है, कितने सालों के लिए निवेश करना है और कौन सा कैप में निवेश करना है। आप फंड्स का नाम वहाँ पे देख ले, कैप तो मैंने बता दिया स्मॉल कैप, और फंड्स का नाम वहाँ वहाँ पे आप देखकर और इन्वेस्ट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट आप गेन कर सकते हैं।